लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने शक्ति ताकत लगानी शुरू कर दी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर निर्देश दे रहे हैं कि भाजपा की नाकामियों को जनता के बीच घर घर लेकर जाएं। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जी जान से जुट जाएं और जो भाजपा के पन्ना प्रमुख हैं उनका पन्ना फाड़ कर फेंक देना है। कांग्रेस ने अब हरियाणा में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन आयोजित कर उनको जरूरी दिशा निर्देश प्रदेश अध्यक्ष उदयभान देते हुए नजर आए। सोनीपत में उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि भाजपा में अब दम नहीं है, उनके पन्ना प्रमुख जो जीत का दमखम भरते हैं उनका पन्ना फाड़ कर फेंक देना है, क्योंकि कांग्रेस हरियाणा में कार्यकर्ताओं की शक्ति से एक बार फिर से हरियाणा में जीत हासिल करने वाली है। इस दौरान उदयभान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस के 14 संकल्प हरियाणा के हर घर तक कार्यकर्ताओं को पहुंचाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया। जनता अब भाजपा का सच 400 पार का नारा देने वालों को जनता ने सबक सिखाया। कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से हमने सचेत किया है। 3 महीने 4 महीने का टाइम है, उसमें घर नहीं बैठना है। सारे जो मुद्दे हैं, जो जमीन के मुद्दे हैं, वो घर घर तक पहुँचाने हैं। अभी हमारे 14 संकल्प वो भी पहुँचाने हैं और लोगों को बताना है, अवगत भी तो रहना है, लोगों को पता भी कि क्या हालत इस जिनके आप बात कर रहे होते हुए कट्टर जी ने इतना काम किया है। एक इंच पर मेट्रो कोई इन्होंने को बनाई नहीं, एक नई कोई रेलवे लाइन नहीं बनाई, कोई नया कोई बिजली का कोई कारखाना नहीं लगाया, कोई बड़ी कोई यूनिवर्सिटी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई ऐसा कोई काम नहीं किया। और प्रदेश का कर्जा 70,000 करोड़ से बढ़ा करके 4.5 लाख करोड़ का पहुँचा दिए, तो ये पूरी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप होकर के रह गई। घोटाले पर घोटाले हुए हैं, चाहे वो माइनिंग का घोटाला है, चाहे शराब घोटाला है, रजिस्ट्री घोटाला है, नशे में पूरा इस प्रदेश को ढोक दिया। यहाँ से पलायन बहुत तेजी से चल रहा है। क्या यहाँ पर महिला पहलवानों के साथ हमारा हुआ, हरियाणा के बेटियों के साथ में किस तरह से किसानों के साथ में जो बर्ताव हुआ, ये सारी चीजें लेकर के जनता के बीच में जाने, घर घर कांग्रेस के माध्यम से हमने मतलब पहुंचाए थे, उसी को आगे हमने बढ़ाना है। किस तरह से झूठ बोला गया था, डीजल 35 रुपए में और पेट्रोल 35 रुपए में हम दे देंगे जनता को, गैस का सिलेंडर 250-300 रुपए में दे देंगे, कोई सरा से नहीं रहेगा जिसके सर पे छत ना हो। किस तरह से झूठ बोला गया था, वही 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, गंगा जमुना को हम साफ कर देंगे। और यहाँ पर किस तरह से झूठ बोला गया कि 50,000 नौकरियां देंगे, कौशल विकास रोजगार निगम दे दिया जिसमें ना कोई मेरिट है ना कोई रिजर्वेशन, जो चाहे उसमें पर्ची खर्ची चलनी है। क्या कारण हुआ कि जो कौशल विकास रोजगार निगम के MD को सस्पेंड होना पड़ा? क्या कारण हुआ कि भाई जो इनका पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी को करोड़ों रुपया के साथ में रेड हैंडेड पकड़ा गया था? क्या कारण था जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 8 कर्मचारी सस्पेंड हुए थे? सारी बात तुमने सुनी। देखिए, हरियाणा का जहाँ तक सवाल है, जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसके नतीजे हैं, जो वो लोगों ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले विधानसभा में 36 बरादरी जो है कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हरियाणा के लोग आ रहे हैं, आपके नीट का आ रहा है, नेट का आ रहा है, ये सीईटी का होता है, और कितने पेपर लीक हो चुके, ये जो है ना, और जो कॉपी पेस्ट हो रही है सवाल जो है, ये एक किस्म से युवाओं के साथ धोखा है। क्यों? क्योंकि ये जो है हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जिससे प्रदेश बदनाम ना हो। इन जो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर दी ना, कभी तो कहते हैं फलानी पार्टी के हमारे साथ आएंगे, ये हॉर्स ट्रेडिंग होती है। हुड्डा साहब हाल में 3 महीने हैं, इससे अच्छा है लोगों के जनमत ले और जिसको लोग चाहे बना दे सरकार। वो क्या कहते हैं कांग्रेस जो है मजबूत पार्टी है, बाकी कोई आता है जाता है आते जाते रहते हैं। 42 MLA और पूर्व सांसद और सांसद हमारी पार्टी में आ चुके। 10 साल में कोई प्रोजेक्ट बना हो, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी आई हो, कोई ऐसा चीज हो जो हमारे में थी, कोई रेलवे लाइन आई, इनको ही एक बता दो आप। बात सारे हरियाणा का यही हाल है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।